नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे आज की वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के एन डेरिवेटिव के बारे में, और देखेंगे किस तरह से कैलकुलेट करेंगे एन डेरिवेटिव ऑफ वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो चलिए शुरू करते हैं। हमें दिया है वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, जिसका हमें एन डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम लोग को समझ लेना चाहिए कि एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इसे हम फैक्टराइज कर रहे हैं, तो इसको फैक्टराइज कर सकते हैं कुछ इस तरह से। दैट इज हम इसे लिख सकते हैं वन अपॉन आई ए प्लस एक्स प्लस आई ए। आई थिंक ये कॉन्सेप्ट सबको क्लियर होगा, बट फिर भी मैं एक बार इसको यहाँ साइड में क्लियर कर देता हूँ। एक्स प्लस आई ए एंड एक्स माइनस आई ए, जब आप इसे सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर। आई स्क्वायर इक्वल्स टू होता है दोस्तों माइनस वन। ठीक है, तो माइनस वन और माइनस प्लस करेक्ट है, तो ये फैक्टर कुछ हमने इस तरह से किया। अब हम इसको पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि हमारे जो डिनोमिनेटर का डिग्री है वो टू है और जो न्यूमिनेटर का डिग्री है वो जीरो है। दैट मीन्स कि हमेशा पार्शियल फ्रैक्शन जब आप करते हो तो पार्शियल फ्रैक्शन का पहला रूल ही ये होता है कि डिनोमिनेटर की डिग्री न्यूमरेटर से ज्यादा होनी चाहिए। तो हम लोग इसको कुछ इस तरह से लिख सकते हैं वाई इक्वल्स टू ए अपॉन एक्स माइनस आई ए प्लस बी अपॉन एक्स प्लस आई ए। अब ये पार्शियल फ्रैक्शन को हम लोग ट्रेडिशनल मेथड से नहीं करेंगे, लॉन्ग प्रोसेस में नहीं जाएंगे, शॉर्टकट में समझ जाए इसको। इस तरह से आपको ए का वैल्यू फाइंड आउट करना है, दैट मींस ए के नीचे जो हमारा फैक्टर है वो है एक्स माइनस आई ए, आयोटा ए। तो हम लोग को क्या करना है कि लेट एक्स माइनस आयोटा ए इक्वल्स टू जीरो, दैट मींस एक्स इक्वल्स टू आयोटा ए, ये वैल्यू हम लोग को यहां प्लेस करनी है और इसको हमें छोड़ देना है। ठीक है, जब हम इसे छोड़ देंगे तो हमारे पास बचा हुआ क्या रहेगा, एक्स प्लस आई ए, और यहां पे जब हम लोग वैल्यू लगाएंगे आयोटा ए एक्स की जगह पे, और एक पहले से है आयोटा ए, तो ये जोड़ के क्या हो जाएगा हमारे पास, सॉल्व करके हो जाएगा टू टाइम्स आयोटा ए। क्लियर, दैट मीन्स कि ए की वैल्यू क्या हो गई आपके पास, ए की वैल्यू हो गई आपके पास वन अपॉन टू टाइम्स आयोटा ए। चलिए इसी तरह से बी की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। जब आप बी की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो बी के नीचे आपके पास फैक्टर है एक्स प्लस आई ए, तो एक्स प्लस आई ए के इक्वल टू हम लोग लिखेंगे क्या, लेट एक्स प्लस आयोटा ए इक्वल टू जीरो। दैट मीन्स कि एक्स का यहां से जो वैल्यू होगा वो होगा आपके पास एक्स इक्वल टू माइनस आयोटा ए, और ये वैल्यू को हमें यहां रखना है। ठीक है, ये वाले फैक्टर में नहीं रखेंगे क्योंकि ये बी के नीचे है, इसको नहीं रखना है, यहां पे रखना है। ठीक है, बचे हुए फैक्टर के पास, तो ये हो जाएगा आपके पास बी इक्वल्स टू वन अपॉन एक्स, एक्स की जगह पे आपको लिखना है आयोटा ए माइनस टाइम्स, ठीक है, एंड माइनस आयोटा ए, ये क्या हो जाएगा आपके पास माइनस टाइम टू टाइम्स आयोटा ए। करेक्ट है, तो आपको ए और बी दोनों की वैल्यू मिल गए हैं। तो अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, ये अपने फैक्टर में वाई इक्वल्स टू जो हमने माना है ये वैल्यू हम यहां लगाएंगे और बाकी का सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है, आपके पास ए का वैल्यू आया वन अपॉन टू टाइम्स आयोटा ए एंड फैक्टर है एक्स माइनस आयोटा ए माइनस टाइम्स, बी का वैल्यू वन अपॉन टू टाइम्स आयोटा ए एंड एक्स प्लस आयोटा ए। अब यहां से देखिए आयोटा ए दोनों में कॉमन है, तो टू टाइम्स आयोटा ए को हम बाहर ले लेंगे कॉमन, तो ये हो जाएगा हमारे पास वन अपॉन एक्स माइनस आयोटा ए प्लस माइनस वन अपॉन एक्स प्लस आयोटा ए। क्लियर है, अभी हम लोग को क्या करना है, हम लोग को एन डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है इसका। तो इसका एन डेरिवेटिव हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, वी नो सिंस वी नो दैट एन डेरिवेटिव ऑफ व्हाट, वन अपॉन ए एक्स प्लस बी क्या होता है, ये माइनस वन रेज टू पावर एन एन फैक्टोरियल ए रेज टू पावर एन अपॉन एक्स ए एक्स प्लस बी रेज टू पावर एन प्लस वन। क्लियर, ये हमारा एन डेरिवेटिव होता है वन अपॉन ए एक्स प्लस बी का। तो अभी आप देखिए यहां पे आपका एन डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, अगर आप इसका एन डेरिवेटिव फाइंड आउट करोगे तो हो जाएगा वन अपॉन टू टाइम्स आयोटा ए। फर्स्ट पार्ट पे जब हम एन डेरिवेटिव लिखेंगे दैट इज वन अपॉन एक्स माइनस ए का एन डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस वन रेज टू पावर एन एन फैक्टोरियल। ठीक है, एंड एक्स के बराबर में कोई कॉफिशियंट नहीं है तो यहाँ वन मान सकते हो आप। ठीक है, दैट मीन्स कि ए का वैल्यू जो है वो वन है,
वन रेज टू पावर एन अपॉन एक्स माइनस आई आयोटा ए, दैट इज एक्स माइनस आयोटा ए रेज टू पावर एन प्लस वन। सिमिलरली यहां देखिए क्या हो जाएगा, माइनस वन रेज टू पावर एन, एन फैक्टोरियल वन रेज टू पावर एन, क्योंकि यहां पे भी एक्स का कोफिशियंट क्या है, ए की वैल्यू वन है यहां पे भी, तो जाएगा एक्स प्लस आई ए रेज टू पावर एन प्लस वन। अब हम यहां देख रहे हैं कि हमें कुछ कॉमन मिल जा रहा है, और जो कॉमन मिल रहा है उस कॉमन को हम लोग लिख ले रहे हैं अलग। देखिए माइनस वन रेज टू पावर एन, एन फैक्टोरियल वन की पावर एन का मीनिंग वन ही होगा तो उसको छोड़ देंगे, ठीक है। तो जो कॉमन आ रहा है उसको बाहर ले सकते हैं, कॉमन को हम लोग बाहर ले लेंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा माइनस वन रेज टू पावर एन, एन फैक्टोरियल ओवर टू टाइम्स आयोटा ए, वन अपॉन एक्स माइनस आयोटा ए होल रेज टू पावर एन प्लस वन, माइनस टाइम्स वन अपॉन एक्स प्लस आयोटा ए रेज टू पावर एन प्लस वन। फर्दर चाहे तो उसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन इसको इससे ज्यादा सॉल्व नहीं करना है, बिकॉज हमारा इंटरेस्ट सिर्फ एन डेरिवेटिव फाइंड आउट करने में है, तो हम लोगों ने इसका एन डेरिवेटिव इतना ही छोड़ देना है, ठीक है। आशा करता हूं कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताइए, आपके कमेंट से हमारा भी उत्साह बढ़ता है, आगे भी आप लोग के लिए नई नई वीडियो लेकर आते रहेंगे, तो जल्दी मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में।